बिहार का महापर्व छठ आ रहा है, इसको लेकर पूरे बिहारवासी में उत्साह का माहौल है। बिहार के बाहर रह रहे लोग अभी से ही बिहार जाने के लिए टिकट भी देखना शुरू कर चुके हैं। वहीं दिवाली और छठ की वजह से विमान का किराया सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। फ्लाइट के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 10 नवंबर से दिल्ली और मुंबई के किराया में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। त्यौहार की वजह से हाल यह है कि दूसरे शहरों से पटना आने का किराया 2 से 3 गुना तक महंगा हो चुका है। 1 नवंबर से बेंगलुरु से पटना के किराया में इजाफा किया जाएगा। अक्टूबर महीने तक किराया 10,000 रुपये के नीचे था, वहीं नवंबर की शुरुआत से ही यह 12,000 से अधिक हो जाएगा। सामान्य दिनों में बेंगलुरु से पटना आने का किराया 7 से 8 हज़ार के बीच रहता है। नवंबर के महीने में पटना से बेंगलुरु का किराया सबसे कम 11,445 रुपये स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-768 का है। वहीं इंडिगो का किराया 12,000 रुपये तक पहुंच चुका है। मुंबई से आना भी अब काफ़ी महंगा हो गया है। एयर इंडिया के विमान AI-673 का 9 नवंबर को मुंबई से पटना का किराया 18,634 रुपये है। 11 नवंबर को 6E-6735 का किराया 16,429 रुपये है। सामान्य दिनों में मुंबई से पटना आने का किराया 4 से 5 हज़ार रुपये होता है, जो 15,000 के पार पहुंच चुका है। कोलकाता से पटना आने का किराया अक्टूबर से ही बढ़ चुका है। 10 अक्टूबर को इस मार्ग का किराया 3600 रुपये है, यह 11 अक्टूबर को 5600 पर पहुंच गया है। 29 अक्टूबर से नवंबर तक की फ्लाइट का किराया 7217 रुपये हो चुका है। आम दिनों में दिल्ली से पटना मार्ग का किराया 3 से 4 हज़ार के बीच रहता है, यह नवंबर के महीने में 24,000 के करीब पहुंच चुका है। छठ और दिवाली के बीच यात्रियों की संख्या अधिक होती है, ऐसे में विमान कंपनी यात्रियों की जेब ढीली करने की तैयारी में जुट गई। 8 अक्टूबर को यह किराया 14,984 रुपये है। 10 नवंबर को दिल्ली पटना मार्ग का न्यूनतम किराया 13,000 रुपये रहेगा, वहीं न्यूनतम किराया 18,144 रुपये है। इसी फ्लाइट का किराया 19 नवंबर की शाम में 24,119 रुपये है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 2023-24 में 8 से 13% तक बढ़ सकती है। इससे विमान उद्योग के घाटे की कुछ भरपाई हो पाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में निरंतर सुधार और कंपनियों की मूल्य निर्धारण शक्ति में सुधार हुआ है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष में तेजी से सुधार के बाद घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या चालू वित्त वर्ष में 8 से 13% की दर से बढ़कर 15 से 15.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार यात्रियों को विमान से सफर करने में परेशानी हो सकती है।